हेलो स्टूडेंट्स। तो यार आज जस्ट 2-3 घंटे हो चुके हैं, अभी एसीबी का भी अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है, थर्ड राउंड। और जस्ट जो है केयूपीवाई का कल रिलीज हो गया था। बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी थी कि भैया ये क्या लास्ट राउंड है और क्या इसके बाद कोई और राउंड नहीं होगा। नहीं यार, ऐसा इश्यू नहीं है, अभी फोर्थ राउंड भी होना है, इसके बाद फोर्थ राउंड भी होगा। हो सकता है 5 भी कंडक्ट किया जाए, या फिर हो सकता है डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जाए। ये सारा जो है आईसर डिसाइड करेगा। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियो भी बनाए, फ्यूचर ऑफ इंडिया स्कैम, एडमिशन 10,000, डायरेक्ट एडमिशन कराओ। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, भैया आपका आईसर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, हमारा एडमिशन करा दीजिए आपको, हम 20,000 पे करते हैं, हमको आप आपको हम 50,000 पे करते हैं, हमारा एडमिशन करा दीजिए। यार ऐसा मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, और आईसर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और आई एम भी आल्सो भी है IITN, ओके। तो मेरा भी इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं एक्चुअल में वीडियो में बोल रहा था, दिस इज जस्ट लाइक एन पेड काउंसलिंग, ठीक है। जो भी बच्चों के एडमिशन कराते हैं, जस्ट लाइक गारंटेड एडमिशन, आप जैसे समझ सकते हो, जिसके अंदर हम फीस जो उन्हीं बच्चों से लेते हैं जिनका हम एडमिशन करा पाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो मतलब बहुत सारे बच्चों ने कॉल भी किया, सर हमने आपको पैसे दे रखे हैं, ये स्कैम चल रहा है, ये क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जस्ट लाइक यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड आई एम जस्ट लाइक योर जस्ट लाइक स्मॉल ब्रदर, ठीक है। तो यार मतलब ऐसा कॉन्टेक्ट करना चाहिए था जिन लोगों ने भी वीडियो बनाया, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ भी, जस्ट लाइक मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं आयसर पे, ठीक है। दिस इज नॉट माई फर्स्ट वीडियो, ये मेरा कोई पहला वीडियो नहीं था, ठीक है। इससे पहले भी मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज डाले यार, मतलब इसी वीडियो के अंदर ऐसा स्कीम वगैरह, मतलब इट्स नॉट इमेजिनेबल, ओके। तो आज अपन बात करते हैं यार कट ऑफ की, ठीक है। हम कोई स्कैम नहीं कर रहे और हम कोई स्पेशली एडमिशन नहीं दिला रहे, ठीक है। हमारा कोई गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, और आईसर वालों से हम कोई मिले हुए नहीं है, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान रखें। और यार हम ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, जस्ट लाइक जो भी बच्चे एडमिशन उसकी पूरी जो काउंसलिंग होती है, जब स्पोर्ट राउंड में रजिस्टर करना नहीं करना, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब बहुत दिनों से ये सारी प्रक्रिया चली आ रही है, ठीक है। और 10,000 इज नॉट ए मतलब बहुत बड़ा हाई अमाउंट नहीं है, मार्केट के अंदर 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं, 1-1 लाख रुपए लेते हैं, ऐसे मतलब नॉट कनेक्शन फॉर्म ही, ठीक है। हम एटलीस्ट हमारे जस्ट कॉलेज की फीस है, या फिर इट्स नॉट जो भी होते हैं बच्चे, ठीक है। बहुत सारे बड़े चैनल्स हैं जो मतलब छोटे छोटे प्राइजेज में भी कर सकते हैं, और मतलब ये भी पॉसिबल नहीं, तो इट्स ओके अगर एडमिशन मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10,000 दे रहे हो, 15,000 दे रहे हो, अगर एडमिशन मिल जाता है, काउंसलिंग हो जाती है, ठीक से, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, ठीक है। और जस्ट इट्स फाइन, ठीक है, जिन्होंने भी वीडियो बनाया नहीं बनाया, ठीक है। और जस्ट ऐसा कोई मतलब स्कैम वगैरह कोई नहीं है, और किसी से मतलब पैसे वगैरह नहीं लिए, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स पैसे देते हैं, गूगल फॉर्म फिल करते हैं, वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, ठीक है। और नोट इट्स एंड प्रेशर, दिस इज नॉट एन स्कैम, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, एंड आई एम ए स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है यार। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे कि जैसे हम 1 लाख दे सकते हैं भैया, हमारा कनेक्शन करा दो, आयसर में करा दो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस के अंदर बोला है, दिस इज जस्ट लाइक एन पेड काउंसलिंग थी यार, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। आई रियली सॉरी फॉर दिस, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था, मतलब थोड़ा उसमें कुछ वर्ड मतलब नहीं बोले थे, ठीक है। तो आई थिंक कुछ वर्ड ना बोलने से भी कुछ वायरल हो जाता है, ठीक है। तो इट्स चलो ठीक है, जो भी हुआ छोड़ो उसको। आज अपन बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो यार कट ऑफ वैसे देखा जाए तो देखो, पहले 820 था, ओके स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड के अंदर। देन उसके बाद कितना बड़ा, ठीक है, देख सकते हो अपने आप ही, ठीक है। थर्ड राउंड का एटलीस्ट पहले 1,300 था, थर्ड राउंड के अंदर कितना हो गया, 1,600, 300 ही बड़ा है, ज्यादा मतलब ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आया है, ओके। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनके अलॉटमेंट के अंदर सिर्फ यही नाम लिखा आया है, ठीक है। नो सीट अलॉटेड, देख सकते हो, डियर कैंडिडेट नो सीट हैज बीन अलॉटेड ऑन योर प्रेफरेंस, ओके। और यार बहुत सारे बच्चे ये क्वारी कर रहे हैं, भैया हमारी तो रैंक जो है 36 है, 37 है, 40 है, हमारा तो एडमिशन हुआ ही नहीं है, यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट 3300 तक गई है। तो यार वो लोग वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जैसे आपकी 3600 रैंक के ऊपर वाली जो रैंक है ना, जैसे लाइक 6,000, 4,000, 5,000, वो लोग कंसिडर वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपकी 36 है तो आपको डायरेक्टली दे देंगे, वो वाला सीन अवेलेबल नहीं है।
यार जनरल वाले बच्चों के लिए मतलब बहुत गलत है कि 1657 तक ही गया है। एंड ओबीसी में जिसकी रैंक है जिस तक जैसे जो 3782 जिसको अगली जो एक्सेप्टेड है अपन फोर्थ राउंड की मान सकते हैं 4042 तक। ओके 4000 के 4500 तक ही मान सकते हो। और एससी की अपन मान सकते हैं जस्ट लाइक आने वाली एक्सेप्टेड जो है एटलीस्ट कितनी मानोगे? मैं तो 10 मानूंगा, ठीक है 10,000। ओके और एसटी की मान सकते हो 17-18 तक जाएगा। ए डब्ल्यू एस भी 6,000 के पास जाएगा। ओके पीडब्ल्यू डी छोड़ो, कश्मीरी माइग्रेंट भी 4,000 क्रॉस कर देगा। ओके यार मतलब कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आया, 200-300 तक की आई ही आया है। ज्यादा जो डिफरेंसेस है वो या तो फोर्थ राउंड में भी नहीं देखने को मिलेगा, स्पोर्ट राउंड में देखने को मिलेगा। हो सकता है स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करें या फिर ये लोग फिफ्थ राउंड कंडक्ट करें, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है मेरा कोई कनेक्शन नहीं है आयसर के साथ, वरना तो मैं आयसर से पता कर लेता कि क्या सीन है आयसर का। ओके तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा इमेजिन जो है इमेजिन करना भी मुश्किल है ना, क्योंकि मैंने भी IIT की प्रिपरेशन की है LN से, मेरा JEE एडवांस 789 रैंक था। ओके एंड मैंने एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए लगाए तब जाके IIT में सेलेक्ट हुआ। ओके तो यार 2-3 अगर मेरे को ऐसा एडमिशन मिलता तो मैं 10,000 के डायरेक्टली ले लेता ना, क्यों मतलब 2 साल कोटा की गलियों के अंदर, जयपुर की गलियों के अंदर वहां पे रहता मैं। ठीक है किताबों के अंदर रटते रटते रहते रटते रहते रटते रहते रटते रहते। ठीक है तो यार मतलब ऐसा वीडियो बनाना भी मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है कि 10,000 रुपये में एडमिशन कैसे मिल सकता है। ठीक है क्योंकि अगर एक बच्चा तो JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, 2-2 लाख रुपए लगा रहा है, LN में पढ़ रहा है, अनकेडमी में पढ़ रहा है, बायजूज के अंदर पढ़ रहा है, 1-1 लाख रुपए दे रहा है, 2-2 लाख रुपए दे रहा है, 2-2 साल की स्ट्रेटेजी बना रहा है, तब जाके KUPY JEE एडवांस JEE मेन ओलम्पियाड तब जाके कुछ मार्क्स आते हैं, वहां पे भी टॉप नहीं कर पाते 3-4 लाख प्लस अपनी पूरी मेहनत लगाने के बाद ही। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम 1,10,000 रुपए में एडमिशन दिला दें आयसर के अंदर। ओके एंड आई रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है मैंने जस्ट तो भी कहा ओनली फॉर पेड काउंसलिंग के लिए था। ठीक है कोई डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल नहीं है, ना ही हमने आज तक किसी स्टूडेंट को दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिए हैं प्लान, ठीक है गूगल फॉर्म पेटीएम वेबसाइट सब जगह पेमेंट किया है, लेकिन ऐसा सीन हमने नहीं देखा। हाँ गारंटेड काउंसलिंग प्लान था, एडमिशन प्लान नहीं है भाई। ठीक है क्योंकि हमारा अगर कनेक्शन होता तो हम 2-3 लाख या 2-3 करोड़ के अंदर बेचते ना, लेकिन कनेक्शन ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है और जस्ट यार अपना बेस्ट दे, ट्राई करे, खूब पढ़ाई करे, और जिन बच्चों को मतलब जो है थके नहीं अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है वैसे। ठीक है कट ऑफ मतलब हजारों में जाएगा, अभी रुकना नहीं है, जनरल वाले लोग घबराए नहीं, और स्पेशली SC कैटेगरी है, EWS है, अभी कट ऑफ आगे तक जाएगा। अभी तो यार 3 राउंड हुए हैं, अभी स्पोर्ट राउंड के अंदर तो बहुत लंबा जाता है कट ऑफ। ठीक है तो जैसे स्पोर्ट राउंड तक डटे रहें, और अपना एक साइड भी कॉलेज छोटा सा जिनके रंग थोड़ा ज्यादा है वो छोटा सा साइड भी कॉलेज रखें, अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो उधर टिक लेंगे। ठीक है क्योंकि एडमिशन कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई बड़ी बात होती है। ओके स्टूडेंट ठीक है।